डिप्टी सीएम बनने के बाद डीके शिवकुमार का छलका दर्द, अपने समर्थकों के सामने बयां किया अपना दर्द, सीएम ना बन पाने का बताया दर्द, सीएम की दावेदारी छोड़ने के पीछे बताई असल वजह। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। कर्नाटक विधानसभा चुनाव कांग्रेस के लिए भले ही वरदान साबित हुई हो और बीजेपी को हराकर कांग्रेस का आत्मविश्वास बढ़ा हो, लेकिन एक बात तो तय है कि कांग्रेस के अंदर ही काफी मतभेद है। आपने देखा कि चुनाव जीतने के बाद किस तरह से सीएम पद के लिए दो दावेदार खड़े हो गए और दोनों ही अपने विधायकों के साथ लामबंद करने लगे। एक तरफ सिद्धार्थ मैया थे तो दूसरी तरफ डीके शिवकुमार। कांग्रेस के दोनों ही दिग्गज नेताओं ने सीएम पद के लिए दावेदारी पेश कर दी, जिसके बाद आलाकमान को कूदना पड़ा। दिल्ली में कई दौर की बैठक हुई, दोनों ही नेताओं को दिल्ली तलब किया गया, आपस में समझौता हुआ। काफी मान मलवन के बाद सिद्धार्थ मैया को सीएम और डीके शिवकुमार को डिप्टी सीएम के पद के लिए राजी कर लिया गया। डीके शिवकुमार भले ही डिप्टी सीएम पद के लिए राजी हो गए हों, लेकिन उनके दिल के अंदर एक टीस तो रह गई और यही टीस अब उनका दर्द बनकर छलका है और अपने समर्थकों को कह दिया कि आपने मुझे मुख्यमंत्री बनाने के लिए बड़ी संख्या में वोट किया, लेकिन क्या करे, सीनियर नेताओं की सलाह के सामने झुकना पड़ा। दरअसल कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार पद संभालने के बाद पहली बार अपने निर्वाचन क्षेत्र कनकपुरा गए हुए थे। यहां उनके समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इसी दौरान डीके शिवकुमार ने अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए कह दिया कि आपने मुझे मुख्यमंत्री बनाने के लिए बड़ी संख्या में वोट दिया, लेकिन क्या करे, एक निर्णय किया गया था, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने मुझे कुछ सलाह दी, मुझे उनकी बातों पर सिर झुकाना पड़ा, अब मुझे धैर्य रखकर प्रतीक्षा करनी चाहिए, लेकिन आप सबकी जो भी इच्छा है वह व्यर्थ नहीं जाएगी, हमें सब्र करना चाहिए। मैं इस समय आपको केवल यही बताना चाहता हूं। आपको बता दें कि डीके शिवकुमार ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो सोनिया गांधी को अपनी मां के समान मानते हैं और हमेशा उनकी इच्छाओं का पालन करेंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए इंटरव्यू में उनसे जब पूछा गया कि ईडी के एक मामले में जब आप जेल गए थे तब आपने कसम खाई थी जब तक आप सत्ता में नहीं आएंगे तब तक आप दाढ़ी नहीं कटवाएंगे, क्या अब आप इसे शेव करेंगे, इस पर शिवकुमार ने कहा, नहीं वह समय अभी नहीं आया है। जैसा कि मैंने कई बार कहा है कि धैर्य ही मेरी ताकत है, मैं अब भी धैर्य से काम ले रहा हूं। डीके शिवकुमार की ये सारी बातें सुनने के बाद तो ऐसा ही लग रहा है कि भले ही अभी डीके शिवकुमार डिप्टी सीएम पद को स्वीकार कर लिया हो, लेकिन आने वाले समय में कर्नाटक के अंदर कांग्रेस की मुश्किल खड़ी होने वाली है और इस तरह की कई उदाहरण भी हैं जिसका नतीजा ये रहा है कि कांग्रेस को बहुत नुकसान हुआ है, बात चाहे पंजाब की हो या फिर राजस्थान की। खैर, जिस तरह से डीके शिवकुमार ने सीएम न बनने का अपना दर्द बयां किया, उस पर आप क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं।